सेंटर ड्रिल, यहाँ से हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है सारा हम लोग डिस्कस करते हैं। सेंटर ड्रिल के लिए बात करें तो ये सेंटर ड्रिल है और ये अलग अलग साइज के यानी अलग अलग डायमीटर के ड्रिल हैं। अगर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, बनावट के बारे में देखें तो ये आगे वाला जो भाग होता है ये प्लेन ड्रिल होता है यानी सिलिंड्रिकल ड्रिल होता है, सीधा एकदम समांतर होता है। और फिर इसके पीछे वाला ये वाला जो भाग होता है ये टेपर होता है, टेपर होता है, और टेपर बने होने की वजह से इस आकार को बोला जाता है काउंटर सिंक आकार, और इस भाग को बोला जाता है काउंटर सिंक। ये सारे चीज़ समझने वाले हैं हम लोग। अगर यहाँ पर देखेंगे तो दोनों तरफ ये ऐसा ही होता है, ये प्लेन ड्रिल होता है आगे से, और ये पीछे वाला भाग जो होता है ये क्या होता है, ये काउंटर सिंक आकार का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैं, और ये वाला जो पार्ट है ये जो ये फ्लूट है, चिप को निकलने के लिए फ्लूट दे दिया जाता है। इसमें मटेरियल के बारे में बात करेंगे तो मटेरियल क्या होता है, हाई स्पीड स्टील का ये बना होता है। जनरली इसका प्रयोग हम लोग होल करने के लिए, सेंटर होल लगाने के लिए, जब लेथ मशीन पर बड़ी जॉब को, इस तरह से हम लोग बात करेंगे फिगर में, बड़ी जॉब को सपोर्ट करना होता है दो सेंटर के बीच में, तो जॉब के फेस पर सेंटर होल लगाने के लिए इसी सेंटर ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। एक एक करके समझते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर पहला काम है, इस आगे वाला जो भाग है ये प्लेन ड्रिल है, इसके द्वारा ड्रिलिंग कर सकते हैं, और ये पीछे वाला जो भाग है, ज़्यादा हम लोग गहराई बढ़ाएंगे तो होल को हम लोग क्या कर सकते हैं, तिरछा भी कर सकते हैं। और पहले से किए गए होल के केवल ऊपरी भाग को थोड़ा तिरछा करना, ये जो क्रिया होती है ये कहलाती है काउंटर सिंकिंग। जनरली काउंटर सिंकिंग का पर्पस क्या होता है तो यहाँ पर देखेंगे, ये पहले से होल किया गया था जिसमें हम लोगों को ये स्क्रू फिट करना है, बिठाना है, तो इसके लिए हम लोग होल को क्या कर देते हैं, ऊपरी जो भाग होता है उसको तिरछा बना देते हैं, और इसी क्रिया को क्या बोला जाता है, काउंटर सिंकिंग बोला जाता है। जनरली काउंटर सिंकिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये स्क्रू का हेड है ये भी कैसा है, ये तिरछा है, टेपर है, तो ये सतह के समांतर आ करके क्या हो सके, बैठ सके आसानी से, इसीलिए क्या करते हैं, काउंटर सिंकिंग करते हैं। जनरली यहाँ पर काउंटर सिंक रिबिट के लिए, फिर काउंटर सिंक ये स्क्रू के लिए हम लोग इस तरह से काउंटर सिंकिंग करते हैं। जो काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन होता है इसको हम लोग ड्रिलिंग रिलेटेड ऑपरेशन बोलते हैं, यानी पहले से ड्रिल होल किया होगा और फिर उसके बाद हम लोग उसके होल में ही कुछ और काम करते हैं। जैसे यहाँ पर होल के ऊपरी भाग को बढ़ा देंगे तो क्या बोला जाता है, काउंटर सिंकिंग। होल के यानी होल के ऊपरी भाग को थोड़ा तिरछा बना देते हैं तो काउंटर सिंकिंग। होल के ऊपरी भाग को अगर स्टेप में थोड़ा बड़ा बना देते हैं तो उसको काउंटर बोरिंग कहते हैं। ये आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सारा चीज़। तो यहाँ पर ये जो सेंटर ड्रिल है इसका काम क्या है, तो सेंटर लगाने के लिए और फिर काउंटर सिंकिंग के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, यानी दोनों के लिए संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन ड्रिल बोला जाता है। कॉम्बिनेशन ड्रिल क्यों बोलते हैं, तो कॉम्बिनेशन ड्रिल इसलिए ताकि इसका प्रयोग हम लोग ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग दोनों के लिए एक साथ करते हैं। कैसे, जब ड्रिलिंग करना होता है ये प्लेन ड्रिल से कर लेते हैं, इसी को अगर आगे और बढ़ा दे तो ये काउंटर सिंक बन जाता है, वही ड्रिल होल का बाहरी भाग, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटर ड्रिल को और किस नाम से जाना जाता है, नहीं तो ऐसे पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशन ड्रिल किस ड्रिल को कहा जाता है, तो सेंटर ड्रिल को कहा जाता है। इसका एक और नाम है सोलो कॉम्बो ड्रिल भी इसको बोला जाता है। अभी NFCL में ये क्वेश्चन पूछा गया था, NFCL नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, कि ये जो सेंटर ड्रिल होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम सोलो कॉम्बो ड्रिल होता है। डायरेक्ट इसको हम लोग लिखेंगे एक एक पॉइंट में, ठीक। अभी यहाँ पर समझते हैं, ये तो हो गया ड्रिलिंग और ये काउंटर सिंकिंग के लिए। अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि जो बड़ा जॉब होता है जिसको लेथ मशीन के सेंटर के बीच में सपोर्ट करना होता है उसके लिए कैसे हम लोग इसमें ड्रिलिंग करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर इधर की तरफ देखेंगे तो ये ड्रिल, सॉरी, ये लेथ मशीन का हेड स्टॉक है और इधर वाला ये टेल स्टॉक है। जनरली लेथ में पूरा पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो हेड स्टॉक की हेड स्टॉक के तरफ ये वाला जो प्लेट है इसको हम लोग कैच प्लेट बोलते हैं। जो लेथ मशीन के जो हेड स्टॉक का स्पिंडल होता है उसके ऊपर इसको फिट कर देते हैं। कैच प्लेट में ये यू आकार का स्लॉट कटा होता है। जनरली यू आकार के स्लॉट में ये बेंट टेल कैरियर है, या इसको डॉग टेल कैरियर बोला जाता है, जिसका ये लेग जो होता है बेंट होता है, ठीक। यहाँ पर ये जो
हेड स्टॉक का ये स्पिंडल होता है, ये अंदर से खोखला होता है और उसके अंदर मोस्ट टेपर कटा होता है, टेपर में बना होता है। और यहाँ पर लेथ मशीन पर जो जॉब को सपोर्ट करना होता है सेंटर के बीच में, तो उसके लिए दो सेंटर प्रयोग करते हैं। जो इधर लेथ मशीन के हेड स्टॉक की तरफ सेंटर होता है उसको लाइव सेंटर बोला जाता है, जीवित केंद्र। और जो टेल स्टॉक के इधर टेल स्टॉक की तरफ होता है सेंटर, लेथ मशीन के टेल स्टॉक की तरफ सेंटर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेड सेंटर, मृत सेंटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर सेंटर सपोर्ट में रहता है, ये चलता नहीं है, यहाँ पर ये इसके साथ ही क्या करते रहता है, चलते रहता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जीवित केंद्र बोलते हैं। ये सारा हम लोग पढ़ेंगे लेथ में, अभी थोड़ा समझते हैं। यहाँ जनरली ये लेथ सेंटर जो होता है इसका जो ये सैंक होता है यानी बाहरी भाग होता है, टेपर में बना होता है। और कैसा टेपर? तो मोस्ट टेपर। और लेथ मशीन का ये जो बोर होता है ये भी अंदर से टेपर में होता है, तो इसमें हम लोग सेंटर को क्या कर देते हैं, बिठा देते हैं। इधर भी टेल स्टॉक का ये जो स्पिंडल नहीं तो ये स्लीव और बॉयलर बैरल है, इसके अंदर भी खोखला होल होता है और उसमें भी मोस्ट टेपर बना होता है, और इसी सेंटर को हम लोग इधर लगा देते हैं। अब बड़े जॉब को दोनों सेंटर के बीच में सपोर्ट करके और उसको घुमाना है, रोटेट करके, और फिर कटिंग टूल के द्वारा कोई ऑपरेशन करना है, कटिंग करना है जॉब के ऊपर। तो इसके लिए हम लोग अब जॉब को कैसे घुमाते हैं, यहाँ पर फिर ये रोल में आता है ये जॉब का। जॉब तो दोनों सेंटर से सपोर्ट हो जाता है, अब इसको चलाएंगे तो ये घूमेगा, तो ये सेंटर घूम जाएगा, जॉब घूमेगा ही नहीं, तो इसके लिए फिर अलग से जुगाड़ लगाते हैं। ये एसेसरीज है, बाहर से अलग से साधन लगाते हैं हम लोग, जिसको डॉग टेल कैरियर नहीं तो करियर डॉग बोला जाता है। और उसमें भी ये बेंट टेल कैरियर है, बेंट टेल कैरियर का ये वाला जो भाग होता है इसमें ये गोलाकार होल बना होता है, इसको इसमें एक स्क्रू होता है जिसमें जॉब के एक एंड को इसके अंदर डाल करके और स्क्रू के द्वारा क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं। फंसाने के बाद जीव वाला जो टेल होता है ये कैच प्लेट में यू स्लॉट बना होता है, यू स्लॉट में इसको डाल देते हैं। यू स्लॉट में डालने के बाद ये फंस जाता है इसमें, और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, जब ये कैच प्लेट को या स्पिंडल को चलाते हैं तो ये पूरा ये डॉग कैरियर जॉब के साथ लेकर के क्या करते रहता है, घूमता है घूमता है, और इसके इसमें से दोनों सेंटर का सपोर्ट मिलते रहता है। ठीक, तो जनरली यहाँ पर ये जो सेंटर होता है, सेंटर का पॉइंट इस तरह से नुकीला होता है, जो डेड सेंटर और लाइव सेंटर होता है इसका जो सेंटर का कोण होता है ये 60 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार ये कि डेड सेंटर का यानी नहीं तो लाइव सेंटर का जो लेथ मशीन में प्रयोग किया जाता है उसका कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री। तो ये नुकीला पॉइंट है, मान लीजिए ये गोलाकार जॉब है जिसको हम लोग दोनों सेंटर के बीच में पकड़ करके और कटिंग ऑपरेशन करने वाले हैं, तो ये गोलाकार जॉब है, यहाँ इसका सेंटर है और सेंटर में कोई होल नहीं किया है हम लोग, और इस सेंटर का सपोर्ट देना चाहें इधर से तो ये क्या हो सकता है, छूट सकता है। तो सेंटर को अच्छे तरीके से ग्रिपिंग में सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, सेंटर होल कर देते हैं, यानी इस सेंटर ड्रिल के द्वारा, ये जो सेंटर ड्रिल है इसके द्वारा हम लोग क्या कर देते हैं, जॉब के फेस पर दोनों तरफ होल कर देते हैं। अब होल हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो सेंटर है लेथ मशीन का या लेथ सेंटर है ये आसानी से जॉब के पॉइंट पर क्या होता है, घुस करके बैठ जाता है और जॉब को अच्छे तरीके से क्या कर लेता है, सपोर्ट कर लेता है। ये काम होता है ये सेंटर ड्रिल का। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये जॉब के फेस पर सेंटर ड्रिल कैसे लगाते हैं, तो इस फिगर में हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जॉब है जिसके फेस पर हम लोगों को होल करना है, फेस पर होल करने के लिए टेल स्टॉक में जो टेल स्टॉक का ये स्लीव या बैरल होता है उसके अंदर में हम लोग ये ड्रिल चक को लगाते हैं। और ड्रिल चक का ये जो आर्बर होता है ये बाहर से क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बाहर से भी मोस्ट टेपर होता है, जो ये टेल स्टॉक के स्पिंडल स्लीव में जा करके क्या होता है, फिट बैठ जाता है। और यहाँ पर ये जो चक है इसको चक की से खोल करके, ये सेंटर ड्रिल है, इस सेंटर ड्रिल का ये जो बीच वाला भाग होता है ये प्लेन सिलिंड्रिकल होता है, इस भाग को इस चक के जबड़े में पकड़ करके और फिर ये टेल स्टॉक के हैंड व्हील से फीड दे करके क्या कर सकते हैं, ये जॉब के फेस पर सेंटर ड्रिल कर सकते हैं। ठीक, ये काम होता है ये सेंटर ड्रिल का। ठीक, अब इससे संबंधित एक एक पॉइंट को हम लोग आगे की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेंटर ड्रिल के लिए अगर बात करें तो ये सेंटर ड्रिल है, इस तरह से हम लोग फेस पर सेंटर लगा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इसका प्रयोग ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग के लिए संयुक्त रूप से किया जाता है, और संयुक्त रूप से किया जाता है इसीलिए इस ड्रिल को क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन ड्रिल, नहीं तो सोलो कॉम्बे ड्रिल भी बोला जाता है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, पूछा गया है क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग। इसके बाद नेक्स्ट है, सेंटर ड्रिल का प्रयोग लेथ मशीन पर लंबी जॉब के फेस
पर सेंटर ड्रिलिंग के लिए करते हैं ताकि लेथ सेंटर का सहारा जॉब को दिया जा सके। इससे पहले इसी चीज को समझे थे और कैसे हम लोग फेस पर ड्रिल करते हैं, तो इस तरह से ठीक। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, सेंटर ड्रिल हाई स्पीड स्टील का बना होता है। अभी नेक्स्ट है, इसके बीच का भाग जो होता है ये प्लेन सिलिंड्रिकल होता है, ये वाला भाग, और दोनों सिरे का आगे का भाग जो होता है ये क्या होता है, ये प्लेन ड्रिल होता है। ये अलग अलग डायमीटर के होते हैं, इसके डायमीटर के बारे में भी हम लोग बात करते हैं आगे। प्लेन ड्रिल होता है, जबकि उसके पीछे का भाग क्या होता है, काउंटर सिंक आकार का, ये तिरछा बना होता है, जिसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, काउंटर सिंकिंग के लिए।